अभी मैं आपको ये डिजाइन बुन करके बताऊंगी। ये देखिए, ये 10 रो का डिज़ाइन है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन के बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, या किड स्वेटर में डाल सकते हैं, या फिर पूरे स्वेटर में भी आप इस डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए रो 1 बनाना स्टार्ट करते हैं हम। रो 1 बनाना हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और शुरुआत के एक फंदे को बिना बुने ही हम इस तरह से उतार लेंगे, और उसके बाद हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे अब बुन लेंगे हम, एक और ये 2। उसके बाद फिर से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे सीधे, एक फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। रो 1 के एंड तक हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, और रो 1 के लास्ट में एक फंदे बच जाएंगे तो उसे हम उल्टे ही बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम रो 1 के एंड में आ चुके हैं और इससे पहले 2 फंदे सीधे बुना गया है, तो अब हम ऊन को आगे ला करके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए, रो 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम रो 2 में आ जाते हैं। रो 2 में फिर से हम एक फंदे को इस वक्त नहीं बुनेंगे और अब हमें 2 फंदे को उल्टा बनाना होगा, यानी यहाँ से हमारा रिपीट स्टार्ट हो चुका है 2। उसके बाद इस वाले फंदे को हमें बनाना नहीं है, तो इसलिए हम इसे उतार लेंगे इस तरह से, और ऊन को हम आगे की तरफ ही रखेंगे इस तरह से, और ऐसे ऊन को हम घुमा के लाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे एक फंदे से ये देखिए 2 फंदे हो गए हैं, और अगेन हम फिर से अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन आगे के तरफ ही रहने देंगे, और इस तरह से हम उतार लेंगे इसे, और फिर हम ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए, 2 बार रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब हम फिर से रिपीट स्टार्ट करेंगे, 1 2। इस फंदे को हम यहीं रहने देंगे और ऊन को इस तरह से घुमा के लाएंगे, और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। रो 2 के एंड तक हमें ऐसे ही करना होगा। देखिए, इस फंदे को भी हम उतार लेते हैं और इस तरह से घुमा लेंगे, और फिर हम रिपीट करते जाएंगे इसी तरह से। अब हम रो 2 के एंड में आ चुके हैं, और ये देखिए, इससे पहले 2 फंदे उल्टे बुना गया था, तो अब हम इस फंदे को भी, लास्ट वाले फंदे को भी उल्टे बुन लेंगे, और रो 2 कंप्लीट हो चुका है। रो 2 कंप्लीट कर लेने के बाद हम रो 3 में आ जाते हैं, और शुरुआत के एक फंदे को बिना बुने ही हम उतार लेंगे, और उसके बाद हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे हम, और इस 2 फंदे को हम उतार लेंगे, और उसके बाद फिर से हमें रिपीट स्टार्ट करना है। 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बुन लेंगे, ये देखिए 1 और 2। तो यहाँ हमारे पास बीच में ये देखिए 3 फंदे हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे, यानी शुरुआत के एक फंदे को छोड़ के हमें बस इतना यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट करना होगा आगे। तो हम ऊन को आगे लेके आएंगे और इस तरह से 2 फंदे को उतार लेंगे, और फिर हम 2 फंदे सीधा बुन लेंगे, 1 2। ऊन आगे की तरफ लाएंगे और 2 फंदे इस तरह से हम उतार लेंगे, और उसके बाद फिर से हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, ऊन आगे की तरफ, 2 फंदे उतार लेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 3 के एंड तक हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब हम रो 3 के एंड में आ चुके हैं, और ये देखिए, हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं, और इससे पहले 2 फंदे को बिना बुने ही इस तरह से हम उतार लिए थे। तो अब हम ऊन को आगे की तरफ ही रहने देंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, और 1 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, और रो 3 कंप्लीट हो चुका है। रो 3 कंप्लीट कर लेने के बाद हम रो 4 में आ चुके हैं, और शुरुआत के एक फंदे को इस तरह से हम उतार लेंगे, और उसके बाद हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2, और हम ऊन को आगे की तरफ ही रहने देंगे और इस 3 फंदे को हम उतार लेंगे, ये देखिए, और इस तरह से हम ऊन को घुमा के लाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 4 फंदे हो गए हैं टोटल। तो उसके बाद अब हमें फिर से रिपीट स्टार्ट करना होगा। 2 फंदे उल्टे, ऊन आगे की तरफ ही हम रखेंगे और इस 3 फंदे को उतार लेंगे हम, ये देखिए, रिपीट ख़त्म सेकेंड टाइम। और फिर से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन आगे की तरफ ही रखेंगे और
इस तीन फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, ये देखिए, और रो फोर्थ के एंड तक हमें ऐसे ही करना होगा। अब हम रो फोर्थ के एंड में आ चुके हैं और ये देखिए, इससे पहले तीन फंदे उतारा गया है और ऊन को हम आगे की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से घुमा के लाएंगे और इस लास्ट तीन बचे हुए फंदे को हम उल्टे ही बुन लेंगे और रो फोर्थ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, रो फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट साइड रो फाइव में आ चुके हैं और शुरुआत के एक फंदे को उतार लेंगे हम और उसके बाद हम दो फंदे को सीधा बुन लेंगे, एक दो, और इस चार जो फंदे बन गए थे उसे हम एक साथ घटा लेंगे। उल्टे घटाना होगा तो ऊन को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से और इस चार फंदों को एक साथ हम घटा देंगे। ये देखिए, ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और चार फंदे को हम घटा लेंगे। ये देखिए, फिर हम ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे हम और इस चार फंदे को हम घटा लेंगे। रो फाइव के एंड तक हम ऐसे ही करेंगे रिपीट, जब लास्ट में तीन फंदे बच जाएंगे तब तक हम रिपीट करते रहेंगे। अब हम रो फाइव के एंड में आ चुके हैं और ये देखिए, इससे पहले चार फंदे को एक साथ बुना गया था तो लास्ट तीन फंदे में से दो फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो, और उसके बाद हम इस तरह से एक बचे हुए फंदे को उल्टे बुन लेंगे और रो फाइव कंप्लीट हो चुका है। अब हम रो सिक्स में आ चुके हैं। रो सिक्स बहुत ही सिंपल है, शुरुआत के एक फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, उसके बाद हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और ऐसे ही हम रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे और एक फंदे सीधे बुनते हुए रो सिक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए, रो सिक्स के एंड में आ चुके हैं हम और इससे पहले एक फंदा सीधा बुना गया था, उसके बाद हम अब इस तीन फंदे को उल्टे ही बुन लेंगे, दो और तीन, और रो सिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम रो सेवन में आ चुके हैं। शुरुआत के एक फंदे को इस तरह से हम उतार लेंगे और उसके बाद हम अपना रिपीट स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे और उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से उतार लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से हमें रिपीट स्टार्ट करना होगा। ये देखिए, दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक और दो, ऊन हम आगे की तरफ ही रहने देंगे और इस फंदे को उतार लेंगे हम, फिर से दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक दो। ये देखिए, तो यहाँ पे बीच में हमारे पास एक फंदे से दो फंदे हो गए हैं, फिर से हम वही रिपीट करेंगे, एक फंदा यहाँ पे आगे की तरफ उतार लेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और इसे हम उतार लेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ऐसे ही हम रो सेवन के एंड तक रिपीट करेंगे। अब हम रो सेवन के एंड में आ चुके हैं और इससे पहले हमें एक फंदे, ये देखिए, ऊन आगे की तरफ ही रखेंगे और अब हमें दो फंदे को सीधा बुनना है और एक फंदा हमने उतार लिया है तो दो फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, एक दो, और लास्ट के एक फंदे को हम उल्टे बुन लेंगे और रो सेवन कंप्लीट हो चुका है। अब हम रो नंबर एट में आ चुके हैं। शुरुआत के एक फंदे को हम उतार लेंगे, उसके बाद हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, और उसके बाद हम इस दो फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, ऊन हम आगे की तरफ ही रखेंगे और ऐसे घुमा के लाएंगे, तो दो फंदे से अगेन हमारे पास तीन फंदे हो गए हैं, एक दो, दो फंदे फिर हम उल्टे बुन लेंगे, ऊन आगे की तरफ ही रखेंगे और दो फंदे हम उतार लेंगे, इस तरह से ऊन को घुमा के लाएंगे और दो फंदे फिर हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, रो एट के एंड तक हमें ऐसे ही रिपीट करना होगा। अब हम रो एट के एंड में आ चुके हैं और इससे पहले ये देखिए, दो फंदे उतार लिया गया था और ऊन को हम आगे की तरफ ही रखेंगे और लास्ट बचे हुए तीन फंदे में से दो फंदे को हम उल्टे बुन लेंगे और इस एक फंदे को भी हम उल्टे बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए, रो एट कंप्लीट हो चुका है।
अब हम रो नंबर 9 में आ चुके हैं, तो शुरुआत के एक फंदे को उतार लेंगे इस तरह से, और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक दो। ऊन को हम आगे की तरफ लेके आएंगे और इस तीन फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, और फिर हम अपना रिपीट फिर से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टाइम रिपीट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दो फंदे सीधा बुन लेंगे और ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और इस तीन फंदे को उतार लेंगे, फिर हम दो फंदे को सीधा बुन लेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और तीन फंदे को उतार लेंगे हम, और फिर हम दो फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए तीन फंदे से यहाँ पे चार फंदे हो गए हैं, और रो 9 के एंड तक हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब हम लास्ट रो, रो नंबर 10 में आ चुके हैं। शुरुआत के एक फंदे को हम उतार लेंगे और उसके बाद हम दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो। ऊन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अब हमें चार फंदे कंटिन्यू, ये देखिए सीधे बनाना होगा, एक साथ हम चार फंदे को घटा देंगे इस तरह से। ये देखिए ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, ऊन को हम पीछे की तरफ रखेंगे और फिर से हम चार फंदे घटा लेंगे। ये देखिए चार फंदे से हमारे पास फिर एक फंदे हो गए हैं, और दो फंदे फिर हम उल्टे बुन लेंगे, चार फंदे को हम सीधे घटा लेंगे। सीधे बुन करके हमें चार फंदे को घटाना होगा, ये देखिए रो 10 के एंड तक हमें ऐसे ही रिपीट करना होगा। अब हम रो 10 के एंड में आ चुके हैं, ये देखिए, और इससे पहले चार फंदे को सीधे बुनते हुए घटाया गया था एक साथ, तो अब हम दो फंदे को उल्टे बुन लेंगे और लास्ट के बचे हुए एक फंदे को भी हम उल्टे बुन लेंगे, यानी हमें कंटिन्यू तीन फंदे उल्टे बनाना होगा। और ये देखिए रो 10 कम्प्लीट हो चुका है। ये देखिए रो 1 to 10 बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुका है, और कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1 to 10 रिपीट करना होगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि रो 5 में चार फंदे में उल्टे बुन करके एक साथ घटाना होता है, और रो 10 में हमें चार फंदे सीधे बुन करके घटाना होगा, क्योंकि रो 5 जो है वो राइट साइड में आता है, रो 10 रॉन्ग साइड में आता है। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।